नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड वीर और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक डॉग ख़रीदना चाहते हैं। एक्चुअली ये वीडियो क्या है कि मैं कम से कम एक घंटे के लगभग का बनेगा, इसको मैं चार पार्ट के अंदर वीडियो बनाऊँगा। चार पार्ट के अंदर ऐसे होगा, अगर आप डॉग ख़रीदना चाहते हैं एक तो वो पूरा मैं बताऊँगा कि आप ख़रीदने से पहले क्या क्या ध्यान में रखें, फिर ख़रीदने के उसके किस कहाँ से डॉग ख़रीदें और उसको खाना क्या देना है, उसको कब वैक्सीन करनी है, कब उसकी डिवॉर्मिंग करनी है, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करनी है, वैक्सीन कौन सी अच्छी, कौन सी कंपनी की वैक्सीन अच्छी होती है, डिवॉर्मिंग कौन सी कंपनी की अच्छी होती है, ये सारा इस वीडियो में तो नहीं कवर कर पाऊँगा मैं। इस वीडियो में तो आज मैं एक ही टॉपिक को लेकर चलूँगा कि आप डॉग ख़रीदना चाहते हैं तो आप कौन सी ब्रीड ख़रीदें। पहले तो अपन घर पे डिस्कस करते हैं कि भाई अपने को कौन सा डॉग ख़रीदना है, घर वालों से पूछते हैं, मम्मी पापा से पूछते हैं, घर के और भी मेम्बर हैं उनसे पूछते हैं कि अपने को कौन सा डॉग ख़रीदना है। तो आज तो इस वीडियो में अभी मैं वही बात करने वाला हूँ, बाकी इसका मैं और पार्ट बनाऊँगा। लगभग ये वीडियो होगा एक घंटे के लगभग, तो चारों पार्ट होंगे वो लगभग एक घंटे के लगभग होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप एक डॉग लवर हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत अच्छे अच्छे डॉग्स के बारे में टिप्स या केयर के उनके देता रहता हूं। साथ में ही अभी मैं एक ग्रूमिंग का भी पूरा उसमें डालने वाला हूं, क्योंकि मैं यहां सिंगापुर में रहता हूं और यहां पेट शॉप है मेरी, और यहाँ पेट शॉप पर मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमने एक ग्रूमिंग शॉप अलग से ओपन की है, तो अभी वहाँ जाना होगा, तो वहाँ के पूरे वीडियो डॉग्स की प्रोफेशनल से लेके बेसिक ग्रूमिंग के वो भी वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल पे डालता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के रखें, साथ में आप मेरे को कमेंट करके बताते रहें कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, ग्रूमिंग के, खास करके ग्रूमिंग के कौन से टॉपिक पर, ग्रूमिंग के पूरे वीडियो डालूंगा मैं इसमें, कौन सी सीजर को किस लिए यूज़ होती है, फेस कट में कौन सी सीजर हुआ, पूरे वीडियो डालूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज बात करते हैं अपन कि अपन एक डॉग, जैसे डॉग ख़रीदने की सोच रहे हैं अपन कि भाई एक डॉग लेते हैं, उसमें अपने को अपने लिए कि क्या सही रहेगा कि अपन कौन सी ब्रीड ख़रीदें। एक तो अपन अगर शहर में रह रहे हैं तो अपन उस हिसाब से ब्रीड ख़रीदें, अपने पास स्पेस कितना, अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है घुमाने के लिए डॉग को तो आप टॉय ब्रीड ख़रीद लें। अगर आपके पास अच्छा खासा स्पेस है, पहली बात तो ये है डॉग है वो कोई टॉय तो है नहीं, वो एक लाइव एनिमल है, आप उसको जितना टाइम दे सको ना तो ही उस एक डॉग ख़रीदें। ऐसे डॉग ख़रीदने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कभी आप तो कहीं भी जैसे कोई ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस चले गए, पीछे से देख रेख कौन करेगा, अगर घर के मेंबर भी कोई देख रेख नहीं करेगा तो आप अपन डॉग को फिर वो एक नॉर्मल वो हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा, पेट भी फिर बोरिंग हो, पेट को भी इतना वो नहीं होगा। तो इसलिए अपन अगर शहर में है, गाँव में है तो गार्डिंग के पर्पज़ से ख़रीदते हैं। गार्डिंग के पर्पज़ से अपन कौन सी ब्रीड खरीद सकते हैं, रोटविलर खरीद सकते हैं, जर्मन शेफर्ड खरीद सकते हैं, अगर अपने को गार्डिंग करवानी है, और साथ में डोबरमैन खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी गार्ड, ग्रेट डेन खरीद सकते हैं, बहुत अच्छे गार्डिंग करता है। और जबकि शहर में अपन ये बड़ी ब्रीडें होती हैं, इनको अपन शहर के अंदर पाल भी नहीं सकते, अपने 2 BHK का फ्लैट हो उसके अंदर अपन कौन सा डॉग ग्रेट डेन कहाँ पर रख लेंगे, वो एक फ्लैट तो एक रूम तो फिर उस ग्रेट डेन को पूरा वो चाहिए। तो इसलिए अपने को पहले सिलेक्ट करना है सबसे पूछ के कि भाई हम कौन सी डॉग ब्रीड ख़रीदें, और कौन सी डॉग ब्रीड अपने घर के हिसाब से सही रहेगी। आप ज़्यादा बाल झड़ने वाली ख़रीद रहे हैं या मतलब ज़्यादा बड़े बाल वाली होगी तो आपका छोटा घर है तो उसमें पूरे में बाली बाल हो जाएंगे, उस हिसाब से देख लें, चूज़ करें अच्छे से बैठ के। ये 10-12 साल अपने साथ रहने वाली चीज़ है, ऐसा है नहीं कि अपने पास एक ही दिन में रहिए, 5-10 दिन रहेगी, चलो ले आए छोड़ दिया, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कम से कम डॉग की लाइफ होती है वो 10 से 15 ईयर के बीच में होती है, अलग अलग ब्रीड की अलग अलग होती है। तो 10 से 15 ईयर साथ में रहने वाली चीज़ है। अगर हाँ आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसके लिए आप कौन सा डॉग सही रहेगा, छोटा बच्चा होता है उसके लिए जैसे लैब्राडोर ले लिया, टॉय ब्रीड कोई भी ले लो, वैसे तो आप कोई भी डॉग पाल लोगे अगर बच्चा छोटा है और आप छोटा ही डॉग ले आए तो उसके साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जस्ट नॉर्मल अगर आप बगैर फर वाली टॉय ब्रीड ले लो, छोटा बच्चा है, घर शहर में है तो आप छोटी टॉय ब्रीड ले लो कोई भी, और
गार्डिंग के पर्पज़ से मैंने आपको बता दिया, जर्मन शेफर्ड वगैरह, जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन, रोटविलर, बॉक्सर, ये सारे गार्ड डॉग आते हैं, इनको बहुत अच्छी गार्डिंग करते हैं, ये भी ले सकते हो। दूसरी बात, अगर आप डॉग बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए आपको कौन सा डॉग खरीदना, अभी जो इंडिया का मार्केट है उसके हिसाब से तो मैं आपको बता दूँ, जर्मन शेफर्ड का बहुत अच्छा खासा मार्केट चल रहा है। अगर आप अभी भी कोई भी अडल्ट फीमेल लेके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जर्मन शेफर्ड का मैं सजेस्ट करूँगा, जर्मन शेफर्ड का, लॉन्ग कोट का, कोई भी मेल फीमेल कोई भी ले लो, सब में फ़ायदा ही होगा। तो उस हिसाब से देखें अपन घर पे कि भाई अपने जो कौन सा ब्रीड सही रहेगी, और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन सी ब्रीड कहाँ से ख़रीदें। मतलब डॉग तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई हाँ हमें जैसे जर्मन शेफर्ड ख़रीदना है, तो हम कहाँ से ख़रीदें। अगले वीडियो में जो अगला पार्ट आएगा इस वीडियो का, उस वीडियो में ये होगा कि आप कहाँ से ख़रीदें, एक पेट शॉप से डॉग ख़रीदें या डायरेक्ट ब्रीडर से ख़रीदें, और आजकल जो है बीच में मीडिएटर घूम रहे हैं, इनके थ्रू किसी से कहीं से ख़रीदें। ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, जहाँ भी पूरे ऑल इंडिया में लगभग डिस्ट्रिक्ट स्टेट में मेरे जान पहचान वाले हैं, आप मेरे को कमेंट करके बता दें कि भाई हमें इस जगह पर डॉग चाहिए, मैं वहाँ के ब्रीडर, जो अच्छा ब्रीडर है वहाँ का, मैं उस ब्रीडर के नंबर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, साथ में बता दूँ, आप ब्रीड बता दो, मेरे को ये ब्रीड चाहिए और मुझे इस जगह चाहिए, मैं वहाँ का लोकल ब्रीडर बता दूँगा आपको। आप जैसे आप यहाँ केरला से हो, आप नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया में डॉग खरीदोगे तो फिर वो ना तो आप डॉग को देख पाते हो, ना मदर फादर को देख पाते हो, तो इसलिए मैं ये बोलूँ जहाँ से भी, कोई भी ऑल इंडिया में, कोई से भी स्टेट से, कोई से भी डिस्ट्रिक्ट से आप हो, कमेंट करके मेरे को बता दो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा, फेसबुक लिंक डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का, आप किसी पे भी मेरे को मैसेज करके बता सकते हो कि हमें इस स्टेप में, मेरा उसमें कोई कमीशन नहीं होगा, आप डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट आप डॉग खरीदो। तो चलो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के रखें। जो इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है वो एक या दो दिन में आ जाएगा कि आप डॉग कहाँ से ख़रीदें, वो मैं पूरा बताऊँगा उसमें कि रेट में क्या अंतर होता है ब्रीडर से ख़रीदोगे तो, और ब्रीडर से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ब्रीडर कहाँ कहाँ चीटिंग करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और शॉप वाले कहाँ कहाँ चीटिंग करते हैं, शॉप में अगर अपन पेट शॉप से ख़रीदते हैं तो वो क्या क्या फॉल्ट दिखाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, मैं नीचे जो सिंगापुर की, अगर आप मेरी जो पेट शॉप है ये देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, और आई बटन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप देखिए एक बार मेरी दोनों शॉप, दो शॉप हैं यहाँ पर, दोनों का मैंने वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ, दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिए, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए, और बहुत अच्छा है चैनल, ग्रो हो रहा है, आप बस सब ऐसे ही प्यार बनाए रखें, धन्यवाद।